स्टूडेंट्स, मैं अब मेंसुरेशन आपका कंप्लीट कर रहा हूँ। मेंसुरेशन मीन्स होता है क्षेत्रमिति। ओके, क्षेत्रमिति अर्थात आपको आगे के जो चैप्टर्स आएंगे, एरिया, पेरीमीटर और सरफेस एरिया अगर होगा आपके चैप्टर्स में, वॉल्यूम और इन सब से रिलेटेड ये चैप्टर आपको पूरी स्टडी करवाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। पिछले क्लास का आपको याद ही होगा, कुछ फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट जो हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हम सभी पूरे पैरामीटर्स के फार्मूले रेडी कर लेते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। इन सभी फार्मूलों को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे हम किसी फिगर के लिए पैरामीटर का फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं, पैरामीटर ऑफ एनी फिगर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, सम ऑफ ऑल साइड्स, या आप लिख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। ओके, बाउंड्री की टोटल लंबाई ही उसका पेरीमीटर है। फिर सेकंड है कि अगर आपके पास ट्रायंगल हुआ, ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल है ये, पिछले चैप्टर्स में आप पढ़ चुके होंगे, आप कंटिन्यू कंप्लीट कर रहे हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल फिर से वही सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड में चलते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसका फार्मूला आपको रटा हुआ है 2 into लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, फोर्थ फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम जिसका जो कि इस तरह से बना हुआ होता है, ये हुआ पैरेललोग्राम। इसके पेरीमीटर का फार्मूला भी क्या होगा, 2 into सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। जो पिछला वीडियो में आपको भेजा था उसमें एडजेसेंट साइड क्या है और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इन सब के बारे में अच्छी तरह से उसमें बताया गया है, उसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, फिर मैं अगले फार्मूले पर चलता हूँ। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम के बाद चलते हैं हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ओके, या इसे हम लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr या पाई डी। ठीक, हम 2πr भी यूज कर सकते हैं और पाई डी भी यूज कर सकते हैं। ओके, एंड सिक्स्थ, पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिखा हुआ है तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा, तो होगा इसका पाई आर प्लस डी। ओके, या पाई आर प्लस 2r, क्योंकि डी इज डायमीटर। ओके, नेक्स्ट फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ 3/4 ऑफ सर्कल, तो आप क्या करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 2πr, और देखिए जो 3/4 फिगर बनेगा वो लगभग इस वजह से बना होगा ऐसे, ये रेडियस और ये रेडियस, डबल रेडियस भी रहेगी, तो प्लस डायमीटर, 2 1 2 2 जा, तो पेरीमीटर फार्मूला हो जाएगा 3/2πr प्लस डी, ये आपका रिजल्ट होगा। इस वजह से आप फिगर्स को कंप्लीट करेंगे। ये हुए पेरीमीटर के फार्मूले। हम अब एरिया के फार्मूले कंप्लीट करते हैं। एरिया का फार्मूला है, हम चलते हैं सबसे पहले कोई भी फिगर में, एनी फिगर, किसी भी फिगर के एरिया फाइंड करने के लिए हम ग्राफ मेथड से या उस फिगर को स्प्लिट करके फाइंड करेंगे उसके एरिया, जो कि आप इसकी स्टडी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ओके, और सेकंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 into बेस into हाइट। ठीक है, जैसे कोई ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो भी परपेंडिकुलर है ये इसका हाइट होगा, और ये जो जिस साइड पर यह परपेंडिकुलर है वो उसका बेस होगा। ठीक, अगर मान लीजिए ये साइड है और इस पर यह परपेंडिकुलर है, तो इस साइड का हाइट ये होगा। ओके,
तो ध्यान रखिएगा इसका फार्मूला आता है बेस इनटू हाइट। फिर थर्ड है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसे हम पैरेललोग्राम को इस तरह भी लिख सकते हैं, तो एरिया पैरेललोग्राम या लिख देते हैं पूरा पैरेललोग्राम इक्वल होता है बेस इनटू हाइट। ओके, और फोर्थ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला मैं एक और बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम एरिया को इस तरह से ए आर और जिसका फिगर बताना चाहें उसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला आपके यूज में कभी नहीं आएगा, अभी भी लगभग सिक्स में भी नहीं आएगा, सेवन्थ में नहीं आएगा, एट्थ में इसका यूज होगा। यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, आप पढ़े रहिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। इसे हेरोंस फार्मूला कहते हैं। ओके, जो भी कंपटीशन की स्टार्ट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम चलते हैं रेक्टेंगल में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और नेक्स्ट है पैरेललोग्राम की मैं बता चुका हूँ। हम चलते हैं सर्कल में। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, जब कभी भी सेमी सर्कल का पूछा जाएगा तो पाई आर स्क्वायर अपान टू, अगर सेमी सर्कल का वन थर्ड पूछा जाएगा तो पाई आर स्क्वायर अपान थ्री। इस वजह से आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। जितने भी ये पूरे फार्मूले हैं इन सभी फार्मूले को आप रफ में नोट कर लीजिएगा, और रफ में नोट कर लेंगे, इन्हें याद कर लेंगे तो आपकी जो चैप्टर नंबर 14 है बहुत ही बेटर अच्छे तरीके से फिनिश होगा, अच्छी तरह समझ में भी आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 14.1 में। 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है डायमीटर इक्वल, सभी में डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सर्कल, और आपको एरिया फाइंड करना, सॉरी पेरीमीटर फाइंड करना है, मीन्स सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। यह दिया हुआ है 14.7 सेंटीमीटर। ओके, और तो हम सर्कमफेरेंस का फार्मूला हम डायमीटर के बेसिस पे भी जानते हैं। सर्कमफेरेंस इक्वल होता है पाई डी। ओके, एंड पाई की वैल्यू ध्यान रखिएगा, आप पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, पाई इक्वल होता है 22/7। ठीक, जब भी स्पेशल कंडीशंस होंगी तो वहाँ बताया जाएगा कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 भी यूज करना है। ठीक, तो ये हमें अभी यूज नहीं करना है, जब भी कभी भी क्वेश्चन में स्पेशल कंडीशन रही जब भी हमें बताया जाएगा तभी हमें यूज करना है, हमें यही वाली पाई की वैल्यू यूज करनी है। तो हो जाएगा 22/7 और इंटू 14.7 सेंटीमीटर, डिवाइड कर देते हैं, 7 टू जा एंड पॉइंट आ गया तो 7 बन जा, 21 का 22 से अप्लाई करते 21 टू जा 42, यहाँ सेंटीमीटर 21 टू जा 42, 42 और 4 46 आ गया 46, 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, 1 प्लेस के बाद डेसिमल 46.2 सेंटीमीटर इस सर्कल का सर्कमफेरेंस हो गया। स्टूडेंट्स, अब अगर मान लीजिए डायमीटर आप यूज न करना चाहें, या तो मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, इसी तरह से इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वैल्यू रख करके अब सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का भी मैं एक बता देता हूँ, जैसे ए नंबर है जिसमें रेडियस दी हुई है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक, ये सेकंड का बी नंबर क्वेश्चन है, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला आपको पता ही है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू रेडियस के बेसिस, इस बार अपने पास आर है और पिछली बार डी था, तो फार्मूला पाई डी होता था, इसका 2πr होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा कि ये जो पाई डी है, क्योंकि डी इक्वल टू आर होता है तो पाई टू आर, तो सेम वही चीज़ है, ये कोई भी अलग नहीं है कि पाई डी और 2πr अलग अलग है, वही चीज़ है, बस वैल्यू में डिफरेंस है कि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो वही चीज़ है। ओके, सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाएगा 2πr, तो हम वैल्यू रखते हैं 2 × 22/7 × 5.6 सेंटीमीटर। 7 से डिवाइड करते हैं 56 को, 7 एट जा 56, लेकिन 1 प्लस के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो 7 0.8 जा हो जाएगा, और हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक,
ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 0.8 सेंटीमीटर एंड 84 जा 32, 84 जा 32, 32 और 3 35, 1 प्लस के बाद डेसिमल और ये हुआ आपका आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दिया हुआ है जो कि लगभग इस तरह से है, इसमें ऐसे बना हुआ है और ये हमें कंप्लीट करना है ये, और इसमें दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री का है और ये एक्स है। ओके, इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम क्या देखेंगे रहे हैं यहाँ कि अगर हम इसको डैश डैश आगे बढ़ाएं इस तरह करके तो ये 1, 2, 3, 4 फोर पार्ट बन रहे हैं। तो 3/4 3/4 का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, अभी अभी मैं बताया हूँ कि बाउंड्री की लंबाई, ठीक है। तो आप 3/4 जब फाइंड करेंगे पेरीमीटर का, तो जब 3/4 फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक, मीन्स 2πr में 3/4 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। लेकिन बाउंड्री ये और ये भी तो इस बार बाउंड्री बन चुका है, इसलिए हमें ये और ये इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो इसी को देखते हुए हमें सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल एक्स इन दिस क्वेश्चन एंड द सर्कमफेरेंस इक्वल 2πr का 2/3, ओके, तो सॉरी 3/4, 3/4 प्लस ये r और ये r, तो हो जाएगा प्लस 2r। हम वैल्यू रख देते हैं, इक्वल आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये पूरे का पूरा वेरिएबल ही है इसलिए हम पाई के वैल्यू नहीं रखते हैं, तो पाई और मल्टीप्लाई x प्लस 2x, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इक्वल आ जाएगा 3 पाई प्लस एक्स अपॉन 2 और प्लस 2x, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3πx। ओके, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल आ जाएगा अपॉन में एलसीएम 4, ठीक, अभी बन गया ये 3πx प्लस 2 2 जा 4, तो 4x। और हम क्या करते हैं, इनसे एक्स यहाँ भी कॉमन है, एक्स यहाँ भी कॉमन है, तो ये बन गया इक्वल 3π+4/4 इंटू एक्स, ये आपका रिजल्ट हुआ इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट, जैसे पहला क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी है। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो ये रेक्टेंगुलर लगभग दिख रहा है जिसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक वाई है, और ये चीज़ भी हमें बताई गई है ये 2x है, ठीक, मीन्स इसका आधा x होगा। तो अब देखिए कहा गया है, हमें फिगर में दिख रहा है कि ऊपर और नीचे सेमी सर्कुलर फिगर बना हुआ है ये, तो इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर, इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये हमें पूरी फाइंड करनी होगी, क्योंकि पेरीमीटर का हम जानते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये काम करेंगे, और यहाँ आ जाएगा पहले डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल 2x, सो रेडियस इक्वल d/2, मतलब 2x/2 इक्वल हो जाएगा x, डायमीटर सॉरी रेडियस आ गया। अब हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे दो सर्कल्स हैं, ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ फिगर, ठीक है, इक्वल पहला सेमी सर्कल का आधा हम करेंगे क्योंकि ये सेमी सर्कल है, तो 2πr/2 प्लस दूसरे सेमी सर्कल का आधा करेंगे 2πr/2 प्लस, ध्यान देखिएगा कि ये और ये एक्स्ट्रा बच रहा है, तो y+y 2y हो जाएगा प्लस 2y, ये हमें करना होगा। 2 2 यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गए, ये बचा इक्वल r की वैल्यू x है, तो πx+πx और प्लस यहाँ x होगा, यहाँ भी प्लस 2y, ठीक है, या हम कह सकते हैं 2πx इक्वल 2πx+2y, देखिए 2 यहाँ कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, πx+y, ये हुआ आपका
फाइनल आंसर। तो एटलीस्ट इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें पता चला कि हमें ध्यान रखना है कि बाउंड्री की लंबाई हमें कंप्लीट करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। ओके, उस तरह से क्वेश्चन नंबर इसमें सी भी है, ये इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ये फिगर है और ये भी बना हुआ है, इधर भी सेमी सर्कल है, इधर भी सेमी सर्कल है। ठीक, जब हम सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो ये आधा और ये आधा प्लस वन हो जाएगा, और इधर भी सेमी सर्कल है, इधर भी सेमी सर्कल है। अब ध्यान से देखिए, बाउंड्री ये जो सेमी सर्कल की बाउंड्री है वही वही जा रही हैं, ये तो बाउंड्री में जा नहीं रही हैं, मतलब हमें इनसे कोई मतलब है नहीं। बट ये जो वैल्यू दी हुई है ये हमारे काम की है। ठीक, ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर की है। तो इस वाले सर्कल की, इस वाले सर्कल की दोनों की हमें रेडियस या डायमीटर्स आराम से मिल जाएगी। ठीक, तो हम सीधे लिखेंगे हियर डायमीटर वन इक्वल, हम किसी को भी डायमीटर वन मान सकते हैं, 6 सेंटीमीटर एंड डायमीटर टू इक्वल 5 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल हो जाएगा फर्स्ट मीन्स पाई डी वन अपॉन टू, क्योंकि हमें आधा फाइंड करना है, इधर का हो गया, अब उधर का भी होगा, इस प्लस पाई डी वन अपॉन टू, उसी तरह से पाई डी टू अपॉन टू प्लस पाई डी टू अपॉन टू। ओके, हम ऐसे ले लेते हैं, इक्वल के आ गया अपॉन टू पाई डी वन प्लस पाई डी वन प्लस पाई डी टू प्लस पाई डी टू, और वैल्यू रखें तो टू पाई डी वन प्लस टू पाई डी टू अपान टू। ध्यान से देखिएगा, अभी मैं फार्मूला इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि जिससे फार्मूला सॉल्व हो जाएगा तो लास्ट में सोल्यूशन आंसर लाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। टू टू कॉमन ले लेते हैं या टू पाई कॉमन ले लेते हैं, टू पाई कॉमन ले लिए, डी वन प्लस डी टू और अपान टू, ये देखिए टू टू कैंसिल हो गया। अब हम सबकी वैल्यू रख देते हैं, जो भी अपने पास वैल्यू है, 22/7 इंटू डी वन की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इक्वल आ गया 22/7 इंटू 11 सेंटीमीटर, और इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 × 22 132/7 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर आ गया। अब इसके बाद मैं आपको अगले जो क्वेश्चन से उन्हें समझा देता हूँ। ये देखिए, इसमें ये ऐसे फिगर बना हुआ है और इस तरह से ये 3 फिगर्स और भी बने हुए हैं, इन्हें फिर डैड करके ज्वाइन किया गया है। आपको पेरीमीटर इसका फाइंड करना है। तो देखिए, ये रहा सेमी सर्कल, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्वेश्चन में दी हुई है, ये हुई 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम ये 4, 4 और ये 4, तो टोटल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। जब टोटल 12 सेंटीमीटर हुआ मींस जो बड़े वाला सर्कल है उसका डायमीटर हमें मिल गया। ओके, यानी छोटे वाले सर्कल का डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक, तो हम इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। इसका फार्मूला पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू मेन पहला वाला पाई डी, क्योंकि कैपिटल दूसरा डी है, इसमें डबल ट्रिपल डी है, इसलिए हम क्या करेंगे, डी को डिनोट करने के लिए आप पाई डी वन भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई डी अपॉन टू और प्लस, क्योंकि एक ही सेम शेप के 3 सेमी सर्कल्स हैं, तो आप क्या करेंगे 3 पाई डी अपॉन 2। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इक्वल अपॉन में एलसीएम आएगा 2 पाई डी प्लस 3 पाई डी। ओके, यहाँ से कॉमन जो भी निकलता है उसे कॉमन निकाल देते हैं, कॉमन आ रहा है ओनली पाई। ओके, पाई कॉमन आ गया, डी प्लस 3d और अपॉन 2, यहाँ वैल्यू रखिए और इसे सॉल्व कर लीजिएगा।
स्टूडेंट्स आगे इस तरह से जो क्वेश्चन है नेक्स्ट भी फिफ्थ है, इसमें इस तरह से फिगर दिया हुआ है ये, और फिर इसको यहाँ से इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको और ये यहाँ, इस तरह से ये ऐड किया गया है। देखिए ये सर्कल का एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, मीन्स ये वन फोर्थ है, हमें वन अपान फोर करना पड़ेगा, ये भी वन अपान फोर करना पड़ेगा, ये भी वन अपान फोर करना पड़ेगा, ये भी वन अपान फोर, तो कुल मिला के एक सर्कल बन गया। ठीक, तो आप इस सर्कल का पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए, एक सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन चारों डिस्टेंस को प्लस कर दीजिए, मीन्स टू पाई आर प्लस, ये डिस्टेंस कितनी है सेवन, तो फोर इंटू सेवन, और आर की वैल्यू सेवन रखिए। ठीक, इसको सॉल्व करने पर आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर सिक्स तो भी सेम इस तरह से है, या देखिए इस तरह से ये फिगर, और फिर ऐसे बना करके और इसे यहाँ से मिलाया गया है, तो बाउंड्री ये सेमी सर्कल का दिख रहा है, तो आप इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए, इस सेमी सर्कल को दिख रहा है तो ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए, दिस सेमी सर्कल प्लस दिस सेमी सर्कल, इन दोनों का पेरीमीटर प्लस करके, साथ में ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, क्योंकि बार बार बता रहा हूँ बाउंड्री की लंबाई, तो ये डिस्टेंस भी आपको ऐड करनी होगी, जो कि है 16 की, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर है इस एक्सरसाइज का, जो दिया हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील द सर्कमफेरेंस इज 3564, तो इसमें सर्कमफेरेंस इक्वल दिया हुआ है 3564 सेंटीमीटर, बट वी हैव द फार्मूला फॉर सर्कमफेरेंस, सो पुट द फार्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू 3564, सॉरी यहाँ 4 होगा, 4 3564 सेंटीमीटर, हम 2 मल्टीप्लाई सब की वैल्यू रखते हैं अपॉन 7 और इक्वल हो जाएगा 3564 सेंटीमीटर। आर को ट्रांसपोज करते हैं, तो ये सब जैसे ही न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जिस तरह से ट्रांसपोज होते हैं ट्रांसपोज कर लीजिए, तो 3564 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 और मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, तो आर इक्वल आ जाएगा, हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 और 1782 और 22 से भी डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 22 वन जो इसे डिवाइड करने पर आ जाएगा 81, तो रेडियस इक्वल आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर इक्वल 567 सेंटीमीटर, या आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 5.67 मीटर आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये भी रिजल्ट हो सकता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप सेंटीमीटर में रखें तो ये होगा, मीटर में करें तो ये रिजल्ट होगा। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि परम एक डिस्क है जिसकी रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ध्यान से देखिए ये रहा डिस्क, मान लीजिए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, और जब डिवाइड किया तो ध्यान से देखिए ये भी बाउंड्री बन गया, ये भी बाउंड्री बन गई कि नहीं, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने के बाद आपको ये डायमीटर प्लस करना पड़ेगा, तो सेमी सर्कुलर शेप की डिस्क की पेरीमीटर आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, रेडियस ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r, वैल्यू रखते हैं 2 कैंसिल, यहाँ पे 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर और प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, 7 कैंसिल हुआ, आ गया 22 सेंटीमीटर और प्लस 14 सेंटीमीटर, हम इसे प्लस कर देते हैं तो आ जाएगा 2136 सेंटीमीटर, जो कि एक पार्ट की एरिया पेरीमीटर होगा, और दूसरे से की भी होता नहीं होगा, 36 ही होगा, सो इट्स कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ वेल ऑफ रेडियस 1.54 सेंटीमीटर एट द कॉस्ट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर मीटर पर मीटर, ओके, तो रेडियस दी हुई है 1.54
5.4 सेंटीमीटर, मैं इसे बताऊंगा नहीं, ठीक। तो आप इसका सरकमफेरेंस फाइंड कर लीजिए, जितना भी सरकमफेरेंस आएगा। उसके बाद कॉस्ट आपको दी हुई है रुपीज़, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 75 पर मीटर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आप फाइंड कर लीजिए, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, जो भी सरकमफेरेंस आएगा उसका 75 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो भी इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो आपका रिजल्ट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है दो कॉग व्हील्स हैं, दोनों की रेडियस दी हुई है, ठीक है। रेडियस ऑफ कॉग व्हील्स, ओके, R1 इक्वल 14 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल 7 सेंटीमीटर। देयर सरकमफेरेंस इक्वल 2πr1 एंड 2πr2। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर एंड 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। फिनिश कर लेते हैं इसे 2 टाइम्स एंड इक्वल आ जाएगा 88 सेंटीमीटर एंड 22 44 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा गया है कौन ज़्यादा स्पीड चलेगा। इस फिगर में आप देखिएगा कि इस तरह से फिगर बना हुआ है, तो ये देखिए जब ये यहाँ तक जाएगा तो ये इतना घूम जाएगा, फिर ये यहाँ तक जाएगा, फिर दोबारा घूम जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर दोबारा घूम जाएगा, ठीक। और पेरीमीटर फाइंड करने से हमें पता चला है कि पेरीमीटर पहले बड़े वाले का डबल है छोटे वाले से, ठीक। तो कौन ज़्यादा स्पीड होगा, छोटे वाले को ज़्यादा स्पीड चलना पड़ेगा, ठीक। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं बेचारे, ओके, और ये जो बड़े होते हैं, ठीक, जब चलने लगते हैं बड़े लोग तो ये एक स्टेप बढ़ाए और दो स्टेप बढ़ाए, यहाँ पहुँच गए। और छोटे बच्चे उनका स्टेप छोटा होता है, ये स्टेप इस तरफ कितने स्टेप उनको बढ़ाने पड़े, तो 1 2 3 4 5 5 स्टेप उनको बढ़ाने पड़े, जबकि टाइम उनके पास उतना ही है। टाइम एक्स्ट्रा ना होने के कारण स्पीड कौन चल रहा है इस समय, स्पीड छोटा बच्चा चल रहा है। सेम इसी तरह से इसमें स्पीड छोटा वाला भी चल रहा है। इसमें पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए एंड बी, तो ये ए की डिस्टेंस हो जाएगी ए 88 और बी 44 डिस्टेंस मूव करता है, ओके। और फिर हम लिखेंगे बी इज फास्टर देन ए बिकॉज ही मूव ट्विस एट सेम टाइम, उसको दो बार घूमना ही पड़ेगा, क्योंकि फिगर में आपका ऐसा दिया हुआ है कि वो अगर दो बार घूमेगा नहीं तो उसका गुजारा नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि ये बड़ा आदमी है, अरे छोटा आदमी है, छोटे बच्चे का हाथ पकड़ लिया और बढ़िया अपनी स्पीड से निकलता जा रहा है, छोटे बच्चे दौड़ना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, छोटे बच्चे दौड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब छोटे बच्चे को ज़्यादा स्पीड से दौड़ना पड़ रहा है, अपना काम करना पड़ रहा है, इसलिए स्पीड उसकी ज़्यादा होगी छोटे वाले की, ओके। सो इट्स कम्प्लीटेड, और नेक्स्ट डे वीडियो में आपको 14.2 कम्प्लीट करवाऊँगा। थैंक यू।